हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है 60% कट ऑफ का फेवर करने वालों के लिए। और यहाँ पे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सरकार जो है वो अब डबल बेंच नहीं जाएगी। और हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन से सबूत है जिसके कारण से ये खबर जो है सोशल मीडिया पे फैल रही है कि जो है 60-65 के लिए अब जो है सरकार नहीं जाएगी और जो 40-45 पे हाईकोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है भर्ती करी जाएंगी। और यहाँ पे सरकार ने यह भी साफ करा है कि ये भर्ती कब तक होंगी, तो हम इस वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो हम अपने चैनल पर आपको देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है वो न्यूज़पेपर की कटिंग जिसमें दे रखा है अब चुनाव के बाद मिल सकेंगी नियुक्तियां। और ये देखिए आप, विभाग के अधिकारियों ने बताया हाईकोर्ट के आदेश पर निर्धारित कट ऑफ के आधार पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है हाईकोर्ट के आदेश पर निर्धारित कट ऑफ के आधार पर परिणाम जारी करने का निर्णय विभाग जल्द करेगा। चयनित अभ्यर्थियों को जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद ही मिल सकेगी। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ये पूरी इस पेपर की जो है पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है ये कोई फेक खबर हो और पता नहीं कौन से अखबार की कौन सी खबर को निकाल के यहाँ पे ये प्रचारित किया जा रहा हो कि ये जो है 60-65 का यहाँ पे जो है वो विरोध किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं, क्योंकि सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे PNP के अधिकारियों ने बताया कि सरकार जो है वो डबल बेंच में जाएगी, लेकिन अचानक से यहाँ पे 60-65 पे भर्ती ना करके 40-45 पे करने का निर्णय जो है वो गले से नहीं उतर रहा है। तो हमारी टीम भी पूरी कोशिश करेगी PNP के अधिकारियों से जल्दी बात करी जाए ताकि पूरा पक्ष यहाँ पे क्लियर हो सके। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको अपने चैनल पे पल पल की देते रहेंगे। तो फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँच सके जो है सरकार जो है अब वो डबल बेंच नहीं जाने वाली। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगर इस पे जुड़ी कोई भी ऑथेंटिक जानकारी आती है तो दोस्तों हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस खबर पे जो है आंख मूंद कर विश्वास ना कर लें, क्योंकि हो सकता है ये जो खबर हो ये फेक हो। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ, ये खबर फेक भी हो सकती है, तो आप जो हैं पूरी तरीके से सजग रहें। और जो भी रियल और ऑथेंटिक जानकारी आएगी हम अपने चैनल पे आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये भी मेरा फ़र्ज था कि ये भी मैं बात आपको सबसे पहले और सबसे तेज दूँ, तो वही मैंने अपना काम किया है। तो दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि ये खबर में कितनी सच्चाई है। तो बाद में इस खबर की पूरी सच्चाई के साथ आपके साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।